और एक जर्नी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज के जर्नी जो होने वाली है दोस्तों पानपोस्ट टू सिमडेगा दोस्तों, यानी कि राउरकेला टू सिमडेगा। और ये दोस्तों 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। और वीडियो में दोस्तों मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, कितना घंटा लगता है और वहाँ जाके क्या क्या और कौन सी बस जाती है, वो सारी डिटेल दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए से देने वाला हूँ। और बहुत कुछ जानकारी दोस्तों इस वीडियो के जरिए से आपको मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को शुरू से आज तक जरूर से देखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी दोस्तों टाइम हो रही है 9:20 और अभी मैं हूँ दोस्तों पनपोस्ट चौक में। अभी बस आई नहीं है, बस आएगी तो फिर दोस्तों मैं बस में चढ़ूँगा और फिर मेरा सफ़र स्टार्ट होगी दोस्तों। चलो ए फ्यू मिनट्स लेटर चुका है मेरा वाली बस, मेहता बस। फाइनली दोस्तों मैं बस में बैठ चुका हूँ और अभी टाइम हो रही है दोस्तों 9:34। तो दोस्तों अभी पानपुर से छोड़ दिया, मैं जो जा रहा हूँ मेहता बस में दोस्तों। तो वीडियो बने रहे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी कुआरमोला पहुंच चुके हैं और अभी जो टाइम हो रहा है दोस्तों 9:52 और अभी कुआरमोला में 1 मिनट का स्टॉप था और उसके बाद यहाँ पे फिर छोड़ दिया दोस्तों। फ्रेंड्स अभी बीरमित्रापुर पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 10:13। फ्रेंड्स अभी बीरमित्रापुर छोड़ चुका है और अभी और थोड़ी देर में ओडिशा बॉर्डर क्रॉस करके झारखंड में पहुंच जाएगा दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर में अभी मैं वीडियो करने के लिए आगे आ चुका हूँ और आपको बढ़िया से व्यू दिखाने वाला हूँ और बॉर्डर को भी दिखाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है इसके सफ़र में दोस्तों। और बीरमित्रापुर में मेरा सब्सक्राइबर भी मिल चुके थे और उनसे भी मिला, काफ़ी अच्छा लगा। पर उनके साथ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बस के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ, यानी कि ड्राइवर जहाँ पे बैठते हैं उसके बगल में अभी बैठ चुका हूँ दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ से झकम हो जाती है। फ्रेंड्स 10:23 हो चुका है, उसके बाद अभी हम पहुंच गए ये बस जो पहुंच गए 10:23 हो चुका है। फ्रेंड्स अभी झारखंड में घुस चुके हैं दोस्तों और अभी झारखंड रोड में है तो काफ़ी मस्त रोड है दोस्तों। अभी फिलहाल तक तो बढ़िया रोड है, फिर आगे मैं दिखाता हूँ आपको कैसा रोड है। दोस्तों यहाँ से सिमडेगा 35 किलोमीटर, 70 और मंत्री से आ रहा है दोस्त, रांची से वो आ रही है राउरकेला के लिए।
क्रॉस कर रहे हैं और ये NHO 143 है दोस्तों। और तरह से दोस्तों पेट्रोल पंप आपको बीच बीच में हर जगह पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस रोड में अगर आप आ रहे हो तो दोस्तों इस रोड में आपको धीरे से आना पड़ेगा क्योंकि गांव-गांव इलाका है, तो वहाँ पे भेड़ मतलब बकरी मतलब रोड में ही रहते हैं, बकरी बैल रोड में रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा देख के आना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए वो ऑटो वाला किस तरह से तुरंत मोड़ दे रहा है, इस तरह से आगे पीछे देख के मोड़ना चाहिए, पर लोग क्या बाइक वाले या ऑटो वाले इस तरह से कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जान है तो जान है दोस्तों, पर कौन किसको समझाएगा। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा आता है। हर जगह पे दोस्तों बोर्ड आपको इस तरह से मिल जाएगी जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गूगल मैप में अगर आप सर्च करके जा रहे हो तो गूगल मैप अगर सही से नहीं दिखा रहा तो भी दोस्तों आपको बोर्ड मिल जाएगी और बोर्ड के सहारे से आप जा सकते हो रांची या सिमडेगा। तेरी आँखों का ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिर नाज़रीनों से। तौबा मगर मिल गई तुझसे नज़र, मिल गया दिल जिगर, सुन जरा बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। अभी दोस्तों बीच में थोड़े जंगल पड़ती है और ये अभी जंगल में हम लोग जा रहे हैं, जंगल के बीच में ये रोड है, लेकिन रोड काफ़ी मस्त है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली रोड नहीं है कि रोड ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, रोड बहुत ही बढ़िया है। आप अगर इस रोड से आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर जगह आपको बोर्ड मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी बोर्ड मिल गया। यहाँ से सिमडेगा दोस्तों 29 किलोमीटर है। चंडिंग के जगह पे दोस्तों जैसे साउथ में होती है वैसा बड़ा सा मीडियर लगा दिया जाना चाहिए। यहाँ पे रोड वाले जो जितने भी जो रोड बना रहे हैं वो लोग वहाँ पे बना देना चाहिए, जिनका भी मतलब हरिद्वार में आता है बना देना चाहिए, क्योंकि आज उस साइड का जो गाड़ी आ रहा है वो पता चल जा रहा है, क्योंकि साउथ एरिया में वैसे ही रिटर्न होती है दोस्तों, बड़ा सा मीडियर लगी हुई रहती है ताकि इधर से जाने वाले उधर से जाने वाले सब को पता चल जाता है, ताकि खतरे
से बचने के लिए। देखिए दोस्तों कोई मिरर नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मिरर लगाना चाहिए रोड में, ताकि इधर का अपनी देखिए गाड़ी देखिए, अभी देखिए साइड से गाड़ी आ गया तो पहले से पता चलता है। लेकिन देखिए ये जब भी रोड बनाया जाता है ऐसा ट्रेंडिंग जगह पे मिलना चाहिए साउथ इंडिया में। ऊटी अगर आप जाते हो तो ऊटी में आपको इस तरह से मिल जाती है, एक तो बहुत सारा आपको वहाँ पर मिरर मिल जाएगा ऐसा ट्रेंडिंग रोड में, तो वो सेफ्टी के लिए यहाँ से सही है क्योंकि टोल तो लेते हैं रोडों पर, इस तरह की सुविधा भी करना चाहिए। महुआ चूक रहे हैं लोग, महुआ खेल रही है। जंगल वाली रोड आपको मिलेगी दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में मिलेगी, ज़्यादा दूर है तो आराम से आप बाइक में अगर आ रहे हो तो उसको क्रॉस कर सकते हो। झारखंड का खूबसूरती ही कुछ अलग है दोस्तों, आप किसी भी एरिया जाइए आप देख लीजिएगा कितना अच्छा लगता है। पूरे जगह देखिए कितना स्पेस बहुत देगा। अभी दोस्तों केरिया पहुँच चुके हैं और यहाँ से और कितना दूर है वो तो मुझे नहीं पता, अभी यहाँ पे कोई किलोमीटर का बोर्ड नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे इस साइड में कुछ कुछ खाने के लिए। आपको इस तरह का होटल मिल जाएगी बीच बीच में। रोड में आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों ताकि अगर आप अनजाना है पहली बार अगर आप इस रोड में सफ़र कर रहे हो अपने पर्सनल व्हीकल्स में तो दोस्तों आपको पता रहे कि कहाँ पे थोड़ा जंगल पड़ता है, कहाँ पे घर पड़ता है या नहीं, कैसा रोड है, वो सारा देखने के लिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए आप बने रहेगा वीडियो में, पूरे दिखाऊँगा सिमडेगा जब तक पहुँच जाएंगे तब तक का पूरा व्यू दिखाऊँगा। अभी जोराम पहुंच चुके हैं दोस्तों गुमला यहाँ से 96 और सिमडेगा 19 किलोमीटर और कुतरा यहाँ से 38 किलोमीटर। जो कुतरा रांची रोड पे जाते हैं दोस्तों ये वाला वो रोड है जो कि यहाँ पे मिला हुआ है, जोराम में मिला हुआ है दोस्तों। जो कुतरा रांची रोड बोलते हैं उसी कुतरा से आगे वाले रोड से आते हैं तो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कुतरा यहाँ के लिए दोस्तों 38 किलोमीटर की दूरी है। अगर आपको सिमडेगा आना है तो कुतरा साइड से अगर आ रहे हो या तो सुंदरगढ़ से तो आप कुतरा से थोड़ी आगे में रांची रोड जो है वहाँ से आप लेफ्ट कट के आ सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्टकट में आप आ सकते हो। लेकिन हम तो राउरकेला से आ रहे हैं, इसी बस में आ रहे हैं तो इसलिए देख लीजिए किस तरह से शूटिंग हुआ भयंकर, और पता नहीं उतने से ड्राइवर सब बच्चे रह गए या नहीं। तो यहाँ से सिमडेगा 15 किलोमीटर, गुमला 92 किलोमीटर है। यहाँ पे एक पेट्रोल पम्प मिल जाएगी।
यहाँ से शिमले का दोस्तों 7 किलोमीटर है और ये शायद क्या पंडरी पाली की क्या ऐसा कुछ नाम है जानकारी दी। दोस्तों सिंगल रोड में यही दिक्कत होती है। अभी सिमडेगा पहुंच चुके हैं दोस्तों और ये सिमडेगा का मार्केट प्लेस है। आपको अभी स्टार्टिंग है और अभी बस स्टैंड के अंदर जाएंगे तो आप देखते रहे, बस स्टैंड के अंदर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अरे मैं ठीक उतरा दो पहले दोस्तों सिमडेगा का बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बस बहुत सारी बस यहाँ पे खड़ी है। यह है दोस्तों मेहता बस और इसी बस में मैं दोस्तों राउरकेला से सिमडेगा आया। ये देख लीजिए ये बस है। फाइनली फ्रेंड्स सिमडेगा मैं पहुंच चुका हूं और अभी सारे पैसेंजर उतर गए हैं और अभी मैं वीडियो बना के फिर उतर जाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों ये राउरकेला से सिमडेगा की दूरी दोस्तों 72 किलोमीटर गूगल मैप में दिखाता है, लेकिन लगभग दोस्तों 80 किलोमीटर के अंदर ही है। पर दोस्तों इसका जो मैं वहाँ पे बैठा था करीबन दोस्तों ढाई से तीन घंटे के लगभग लग गया। तो दोस्तों सफ़र तो काफ़ी बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर अभी मुझे रिटर्न फिर जाना है तो इस बस में दोस्तों ये मेहता बस है और मेहता बस में दोस्तों आपको 42 सीट मिल जाती है और ये बस स्टैंड से दोस्तों 8:55 में वो बस स्टैंड से खुल जाती है। अगर आपको बस में चढ़ना है तो मैं तो टाइमिंग बता चुका हूँ दोस्तों, तभी मैं जब चढ़ रहा था उस वक्त। और इसमें काफ़ी मज़ा आया दोस्तों सफ़र करके। और इसमें दोस्तों आप बुकिंग कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाली भी ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे बारकोड दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस है यानी कि राउरकेला सिमडेगा का प्राइस दोस्तों 120 रुपये लगता है। 120 रुपये मैंने पे किया तो दोस्तों उसका टिकट भी मेरे पास है, टिकट आपको दिया जाता है इस बस में, तो आप टिकट आप ले लीजिएगा जरूर से, क्योंकि दोस्तों आप टिकट ले लेंगे तो आपका सीट जो है उसी सीट में आराम से बैठ के आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप आइए सिमडेगा या तो कहीं भी जाना हो दोस्तों, अलग अलग बस का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बढ़िया से रहिए, ओके बाय।